उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा, वो जो कहते हैं 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं। 4,90,000 को तुम साइडलाइन कर देते हो, जब 5,00,000 लोग प्री का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है और 10,000 लोगों में तुम्हारा नाम आता है, कितना उत्साह बढ़ता है। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है। जब 5,00,000 लोग प्री का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है और 10,000 लोगों में तुम्हारा नाम आता है, कितना उत्साह बढ़ता है। 4,90,000 को तुम साइडलाइन कर देते हो, आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। एक बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नेचुरल एंथुसियाज्म, नेचुरल मतलब तुम्हें एक बात फील होगी कि यार 5,00,000 लोगों में मैंने 10,000 लोगों में अपनी जगह बनाई, 5,00,000 में से 10,000 में जगह, कितना उत्साह। और उसी उत्साह को अगर तुम यूज कर ले जाओ, उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा, वो जो कहते हैं 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तुम देखो घर में जब शादी वादी होती है बहन बेटी वगैरह की, तो 24 घंटे लोग काम करते हैं, कोई थकान ही नहीं होती। जब फंक्शन सारा ओवर हो जाता है तब थकान होती, पूरे फंक्शन में लोग भागते रहते हैं इधर उधर, 24 घंटा 30 घंटा 36 घंटा, थकान नहीं होती। यही तो मन का एक बहुत बड़ा फीचर है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जहां ये लगेगा वहां तुमसे टाइम बताएगा ही नहीं, कहता करते जाओ। जहां ये नहीं लग रहा है वहां जबरदस्ती करनी पड़ रही, और जबरदस्ती कुछ होगा नहीं। तुम देखो जहां भी ये लग रहा है वहां तुमको कहां टाइम सोचने देता है ये? एक पता नहीं कोई साहब थे मुंबई में, उनकी न्यूज आई थी कि वो जो मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो डेली 2 शो देखता था बंदा, डेली मजा आया होगा ना, साल भर वो आदमी डेली 2 शो देखता रहा, 6 घंटा डेली। मन का बहुत बड़ा लक्षण है। और तुम पढ़ाई को चूंकि ऐसे पढ़ते नहीं हो कनेक्ट करके, समझ में तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें पढ़ाई में रस नहीं पैदा हो, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना, रस बढ़ाओ रस। जब रस बढ़ाओगे कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तुम रस बढ़ाओ, और रस बढ़ेगा समझने से, दिमाग लगाने से, सोचने से, डायग्राम बनाने से। और एक बार तुम्हें पढ़ाई में रस आने लगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। एक छोटी सी टुकड़ी ने सेना को हरा दिया, यानी 5,00,000 लोगों में से तुम्हारा नाम आ गया किसमें? 10,000 में। उत्साह बढ़ा, और यहीं पर ड्यूप्ले का उत्साह बढ़ गया, ड्यूप्ले का उत्साह बढ़ गया। अरे वाह क्या बात, एंथुसियाज्म, ड्यूप्ले का उत्साह बढ़ा। सिर्फ उत्साह नहीं बढ़ा, उसकी भूख भी बढ़ी, एपेटाइट, एपेटाइट, उसकी भूख भी बढ़ी। दो चीजें बढ़ी इस जीत से, दो चीजें बढ़ी, एक उत्साह बढ़ा और दूसरा राजनीतिक भूख। लिखो दोनों बातें, दिस विक्ट्री इंक्रीज्ड टू थिंग्स, पहला उत्साह, ड्यूप्ले का उत्साह, और दूसरा राजनीतिक पॉलिटिकल एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख, राजनीतिक भूख। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि दो चीजों में, ड्यूप्ले के दो चीजों में वृद्धि हुई, एक उत्साह में और एक भूख में। अब जब दो चीजें बढ़ी
तो मेंस की तैयारी भी बढ़ेगी, तैयारी बढ़ेगी ना। अब इसका अच्छा जीत क्यों हुई? जीत जिसकी भी होती है, विक्ट्री, जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो?